हाँ एक्चुअली सर आपने बोर्डिंग के लिए अप्लाई किया था, मैं शेयर चैट ऐप से बात कर रहा हूँ कि बोर्डिंग हो गई है, इसी को जी बताने के लिए आपको कॉल किया गया है। ठीक जी सर। है सर, अब आप कंटिन्यू मिनिमम रोज। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली शेयर चैट ऐप के तरफ से अनबोर्डिंग कॉल आ चुका है और हम हो चुका है शेयर चैट पे अनबोर्ड। शेयर चैट ऐप से पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो चुका है, शेयर चैट ऐप से गिफ्ट के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं। साथ ही सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शेयर चैट ऐप पे अनबोर्डिंग के लिए एक फॉर्म को फिल किया था। कौन सा फॉर्म को फिल किया था और किस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें शेयर चैट ऐप के तरफ से कॉल आता है और हम शेयर चैट पे अनबोर्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कॉल रिकॉर्डिंग, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कौन सा मैंने फॉर्म को फिल किया था और आप लोग भी उस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो और किस तरीके से आप लोग भी शेयर चैट पे अनबोर्ड हो सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग सुन लो कॉल रिकॉर्डिंग को। हाँ एक्चुअली सर आपने बोर्डिंग के लिए अप्लाई किया था, मैं शेयर चैट ऐप से बात कर रहा हूँ कि बोर्डिंग हो गई है, इसी को जी बताने के लिए आपको कॉल किया गया है। ठीक जी सर है सर, अब आप कंटिन्यू मिनिमम रोज 3 पोस्ट करें तो जी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि वाउचर हो गया, इनाम हो गया, अन्य किसी तरह की फैसिलिटीज हो गई, जी सर ये चीजें मिलेंगी। आप पैसे भी कमा सकते हैं इन फ्यूचर है आपके व्यूज लाइक एंड फॉलोअर के हिसाब से। तो जी आज से आप पोस्ट करना शुरू कर दें, आपकी बोर्डिंग हो गई सर जी सर। शेयर चैट रोज। पे जी सर शेयर चैट पे। हाँ सर, मिनिमम जी 3 वीडियो करें, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितने कर सकें। ठीक है सर, जी तो सर। आपको जल्दी जल्दी आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर, जी जैसा सर। कि अभी आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि हमें जो है शेयर चैट एप्लीकेशन के तरफ से अनबोर्डिंग कॉल आ चुका है और हम हो चुके हैं शेयर चैट पे अनबोर्ड और गिफ्ट और पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जो कि आप लोगों ने शेयर चैट एप्लीकेशन के कॉल रिकॉर्डिंग में ही सुन लिया। अब यहाँ पे आप लोगों मन में एक डाउट आता होगा कि भाई हम भी शेयर चैट एप्लीकेशन पे कैसे अनबोर्ड हो पाएंगे और शेयर चैट एप्लीकेशन के तरफ से हमें भी कॉल कैसे आएगा और कौन सा हमें फॉर्म फिल करना है जिसके बाद हमें सैलरी और साथ ही शेयर चैट एप्लीकेशन के तरफ से जो है कॉल आ पाएगा। तो ये पूरी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर चैट एप्लीकेशन के तरफ से जो अनबोर्डिंग फॉर्म आया हुआ है उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उस फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म आप लोग कहाँ पे मिलेगा और इसका रिस्पॉन्स आप लोग कितने दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को इस फॉर्म को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। हमें इसी फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोगों को शेयर चैट ऐप के तरफ से अनबोर्डिंग कॉल आएगा और साथ ही आप लोग शेयर चैट ऐप से पैसे कमाने के लिए गिफ्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इस पे लिखा गया शेयर चैट कम्युनिटी पार्टनर क्रिएटर रेफरल, यानी कि क्रिएटर्स को हम लोग रेफरल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म का जो फिल करने का रिक्वायरमेंट है उसको पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि शेयर चैट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा या हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर चैट ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग शेयर चैट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करना है कि शेयर चैट पे आपको अपने फोन नंबर से अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और उस पर आप लोग को 5 ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोग देखने को मिलेगा कम से कम आप लोगों को जो है मैक्सिमम 5 वीडियो पोस्ट कर देना है। अब जैसे आप लोग इस 5 वीडियो को पोस्ट कर दोगे उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। अब उसके बाद आप लोग करना क्या है चले मैं आपको बताता हूँ। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हो जाना पड़ेगा और जैसे आप लोग अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हो जाओगे उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। जैसे कि लोग नीचे की तरफ में आओगे यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों से बोला जाएगा कम्युनिटी पार्टनर आईडी, तो आप लोग को यहाँ पे जो कम्युनिटी पार्टनर आईडी डालना है वो ध्यानपूर्वक डालना है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे डालना है, आप लोग को छोटा वाला सी लिखना है, उसके बाद छोटा वाला वाई लिखना है, उसके बाद आप लोग को 2 लिखना है, उसके बाद आप लोग को 66 कर देना है, यानी कि CY266 आप लोग को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे की तरफ में आएंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर नेम, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि अपना खुद का नाम लिख देना है, जो भी आप लोग का रियल नेम है वही आप लोग का नाम यहाँ पे लिख देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ राजू कुमार लिख देता हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि आप लोगों का अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे की तरफ में आएंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर प्रोफाइल लिंक इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासा फॉलोअर्स हैं तो आप उसका प्रोफाइल लिंक यहाँ पे डाल दो, तो आप लोग का जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे सेलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग का इंस्टाग्राम पे 10K भी फॉलोअर्स है, उससे कम भी है, तो आप लोग उसका प्रोफाइल लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ध्यानपूर्वक यहाँ पे आप लोगों को अपना लिंक जो है पेस्ट करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास अभी लिंक नहीं है, मैं आगे जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे की तरफ में आएंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा लैंग्वेज ऑफ द क्रिएटर। अब यहाँ पे आप लोग को अपना लैंग्वेज साथ ही देखते लिखे गया है 4 कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो आप लोग का जैसे कि यहाँ पर देखते हो लिखा हुआ है मराठी हिंदी तमिल वगैरह अदर है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग का जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। सो पहले मेरा हिंदी लैंग्वेज होता है तो मैंने हिंदी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे की तरफ में आएंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी कंटेंट टाइप, आप किस तरीके का कंटेंट टाइप करते हो, किस तरीके का आपका कंटेंट होता है वो सेलेक्ट करना है।
तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं पोट्री एंड साइडी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी में मेरा कैटेगरी आता है। आपका जो भी कैटेगरी हो, तो अगर आप लोग हिंदी में हो तो फाइनली आप लोग को हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरह में स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे की तरह में आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर कॉलिंग कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप लोगों को जो यहाँ पे कॉलिंग नंबर डालना है वो ध्यानपूर्वक डालना है, यहाँ पे गलत आप लोग कॉलिंग नंबर नहीं डालना है। अगर आप लोग गलत कॉलिंग नंबर डाल दोगे तो आप लोग का जो शेयर चैट के तरफ से अनबोर्डिंग कॉल आता है वो आप लोग का कॉल नहीं आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे जो है अच्छा सा कॉलिंग नंबर डाल देना है, जिससे आपके पास वो कॉल है फोन आता हो और उस पर आप लोग का कॉल आ पाए, तो आप लोग को यहाँ पे कॉलिंग नंबर अच्छा से फिल कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे की तरह में स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे की तरह में आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर सर्च एट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, रजिस्टर जो नंबर है आप लोग सर्च एट पे, मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोगों को हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सर्च एट ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सर्च एट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ़ोन नंबर से अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, और जिस फ़ोन नंबर से आपने अकाउंट को क्रिएट किया है उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पर ऐड कर देना होगा। अब यहाँ पे जैसे ऐड कर दोगे, मैं आप लोगों को फिर से एग्जांपल बताना चाहता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पर जो है रेड कलर का लिखा रहा है, यानी कि मेरा जो है गलत कॉलिंग नंबर है। तो आप लोगों का जो भी कॉलिंग नंबर होगा वो सही होगा। जब सही कॉलिंग नंबर डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो है ये पूरा ये टिक जो है नहीं आ पाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये जब आप लोग डाल दोगे, उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरह में स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे की तरह में आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है क्रिएटेड सर्च एट हैंडल। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है अपना हैंडल लाना है, यानी कि सर्च एट पे जो आप लोग का यूजर नेम बताए उस यूजर नेम को यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बताया भी गया है कि आप लोगों के प्रोफाइल के साइड में ही आप लोगों का यूजर नेम देखने को मिलेगा, वही यूजर नेम को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। सो फाइनली मेरा जो यूजर नेम है वो राजू कुमार 6 है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं अपना जो है यूजर नेम को टाइप कर देता हूँ। अब ये पूरा का पूरा जब आप लोग सही डिटेल्स फिल कर लेते हो, तो चलिए मैं एक बार जो है अपना सही डिटेल्स फिल कर देता हूँ, जिससे हमारा डिटेल्स लीक ना हो पाए। तो चलिए मैं एक बार डिटेल्स को अच्छे तरीके से रिव्यू चेक करके फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सो पूरा का पूरा मैंने अपना डिटेल्स को चेक कर लिया, जो भी मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल किया है वो पूरा का पूरा रियल और जेन्युइन हमारा डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे अपना डिटेल्स को अच्छे तरीके से एक बार रिव्यू कर लेना है। जब यहाँ पे लगे कि आप लोग का पूरा डिटेल जो सही है, उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोगों को एक सबमिट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको सबमिट करने वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग सबमिट करने वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देख सकते हो लिख के आ चुका है दूसरा उत्तर भेजें, यानी कि आप लोग का ये जो जवाब है रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये फॉर्म जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो इस फॉर्म का लिंक आपको वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल करते हो तो आप लोग का जो सिलेक्शन का टाइम होगा वो होगा आप लोग का 1 हफ्ता, यानी कि 7 दिनों का टाइम लगेगा। और 7 दिनों के अंदर में ही आप लोगों को सर्च एट ऐप के तरफ से अनबोर्डिंग कॉल आ जाएगा और आप लोग सर्च एट पर अनबोर्ड हो जाओगे, गिफ्ट और पैसा कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड काफी चैनल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करके वीडियोस कहीं पर समाप्त करते हैं।